असूया दोष के कारण राजा बाहु की अवनति और पराजय तथा उनकी मृत्यु के बाद रानी का और वह मुनि के आश्रम में रहना। नारद जी ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ राजा सगर कौन थे, वह सब मुझे बताने की कृपा करें। सनक जी ने कहा, मुनिवर गंगा का उत्तम महात्म्य सुनिए, जिसके जल का स्पर्श होने मात्र से राजा सगर का कुल पवित्र हो गया और संपूर्ण लोकों में सबसे उत्तम वैकुंठ धाम को चला गया। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हो गए, उनके पिता का नाम वृक था। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे और सारी पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य जीवों को अपने अपने धर्म की मर्यादाओं में स्थापित किया था। महाराज बाहु ने सातों द्वीपों में सात अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को गाय भूमि स्वर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भलीभांति तृप्त किया। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चार डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा और दूसरे का संताप दूर करके अपने को कृतार्थ माना। पृथ्वी पर बिना जोते बोए अन्न पैदा होता और वह फल फूल से भरी रहती थी। मुनिवर देवराज इंद्र उसके राज्य की भूमि पर समयानुसार वर्षा करते थे और पापाचारियों का अंत हो जाने के कारण वहां की प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती थी। एक समय राजा बाहु के मन में असूया मतलब गुणों में दोष दृष्टि के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सब संपत्तियों का नाश करने वाला तथा उस अपने विचार विनाश का भी हेतु थे हैं। वे सोचने लगे, मैं समस्त लोगों का पालन करने वाला बलवान राजा हूँ, मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है, मुझसे पूजनीय दूसरा कौन है। मैं विद्वान हूँ, श्रीमान हूँ, मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है, मुझे वेदों और वेदांगों के तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का, तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मेरे ऐश्वर्य को हानि नहीं पहुँचा सकता, इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है। इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होने पर उनके मन में दूसरे के प्रति दोष दृष्टि हो गई। मुनीश्वर दोष दृष्टि होने से इस राजा के हृदय में काम प्रबल हो उठा। इन सब दोषों के स्थित होने पर मनुष्य का विनाश होना निश्चित है। यौवन धन संपत्ति प्रभुता और अविवेक इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है, फिर जहाँ ये चारों मौजूद हो वहाँ के लिए क्या कहना। विप्रवर उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई, जो लोक का विरोध अपने देह का नाश तथा सब संपत्तियों का अंत करने वाली होती है। सूरत असूया से भरे हुए चित्त वाले पुरुषों के पास यदि धन संपत्ति मौजूद हो तो उसे भूमि भूसी की आग में वायु के संयोग के समान समझो। जिनका चित्त दूसरों के दोष देखने में लगा होता है, जो पाखंड पूर्ण आचार का पालन करते हैं तथा सदा कटु वचन बोला करते हैं, उन्हें इस लोक में और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। जिनका मन असूया दोष से दूषित है तथा जो सदा निष्ठुर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। जो पराई स्त्री को देखकर मन ही मन उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वह अपनी संपत्ति का नाश करने के लिए स्वयं ही कुठार बन गया है। इनमें संशय नहीं है मुनि, जो मनुष्य अपने कल्याण का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है, वही दूसरों का कल्याण देखकर अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण उनसे डाह करने लगता है। ब्राह्मण जो मित्र संतान गृह क्षेत्र धन धान्य और पशु सबकी हानि देखना चाहता हो, वह सदा दूसरे के असूया करे। तदनंतर जब राजा बाहु का हृदय असूया दोष से दूषित हो जाने के कारण वे अत्यंत उद्दंड हो गए, तब है और ताल जंग कुल के क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु बन गए। असूया होने पर दूसरे जीवों के साथ द्वेष बहुत बढ़ जाता है, इसमें संदेह नहीं है। असूया से दूषित चित्त वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ लगातार एक मास तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में वे अपने वैरी हैहे और तालजन नाम के क्षत्रियों से परास्त हो गए। अतः दुखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। वहां एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, परंतु उसके मन में तो असूया भरी हुई थी, इसलिए उसका भाव देखकर उस जलाशय के पक्षी भी इधर उधर छिप गए। ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस समय बड़ी उतावल के साथ अपने घोंसले में समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे, अहो बड़े कष्ट की बात है, यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया। राजा ने अपने दोनों पक्षियों के साथ उस सरोवर में
राजा ने अपने दोनों पत्नियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जल पिया और वृक्ष के नीचे उसकी सुखद छाया में जा बैठे। नारद जी, गुणवान मनुष्य कोई भी क्यों न हो, वह सबके लिए श्लाघ्य होता है और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होने पर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगों से निंदित ही होता है। द्विजश्रेष्ठ नारद, उस समय बाहु की बहुत निंदा हुई थी, वे संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए की भांति वन में रहते थे। अकीर्ति के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोह के समान कोई भय नहीं है, असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, राग के समान कोई बंधन नहीं है और संग तथा आसक्ति के समान कोई विष नहीं है। इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु अत्यंत दुखित हो गए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह बहुत समय बिताने के पश्चात औरव मुनि के आश्रम के निकट रोग से ग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। उसकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी तो भी दुख से आतुत हो दीर्घ काल तक विलाप करके उसने पति के साथ चिता पर जल मरने का विचार किया। इसी बीच में परम बुद्धिमान औरव मुनि जो महान तेज की निधि थे वहां आ पहुंचे। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा ये सब वृत्तांत जान लिया था। मुनीश्वर गण तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं, वे असूया रहित महात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। परम पुण्यवान पुण्यात्मा और वह मुनि अपनी तपस्या के कारण तेज की राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थान पर आए जहां राजा बाहु की प्यारी एवं पतिव्रता पत्नी खड़ी थी। मुनिश्रेष्ठ, नारद जी रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्दत देख मुनिवर और वह धर्म मूलक वचन बोले। और वह ने कहा, महाराज, बाहु की प्यारी पत्नी तो पतिव्रता है किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य न कर। तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, कल्याणमयी राजपुत्री जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्री या पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती, उसके लिए चितारोहण का निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्महत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है, पाखंडी और पर निंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। सर्वते नास्तिक कृतज्ञ धर्मत्यागी और विश्वासघाती के उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है, अतः शोभने तुझे ये महान पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर पतिव्रता रानी को उसके वचनों पर विश्वास हो गया और वह अत्यंत दुख से पीड़ित हो अपने मरे हुए पति के चरण कमलों को पकड़कर विलाप करने लगी। महात्मा और वह सब शास्त्रों के ज्ञाता थे, वे रानी से पुनः बोले, राजकुमारी तुम रो मत, तुझे श्रेष्ठ राजलक्ष्मी प्राप्त होगी। महाभागे, इस समय सज्जन पुरुषों के सहयोग से इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है, अतः शोक त्याग कर तो समयोचित कार्य कर। पंडित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान तथा दुराचारी हो या सदाचारी, सब पर मृत्यु की समान दृष्टि है। नगर में हो या वन में, समुद्र में हो या पर्वत पर, जिस जीव ने जो कर्म किया है उसे उसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे दुख बिना बुलाए ही प्राणियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। इस विषय में देव ही प्रबल है, पूर्व जन्म के जो जो कर्म है उन्हीं को यहाँ भोगना पड़ता है। कमलानने, जीव गर्भ में हो या बालावस्था में, जवानी में हो या बुढ़ापे में, उन्हें मृत्यु के अधीन अवश्य होना पड़ता है। अतः सुव्रते, इस दुख को त्याग कर तू सुखी हो जा, पति के अंत्येष्टि संस्कार कर और विवेक के द्वारा स्थित हो जा। ये शरीर कर्म पास में बंधा हुआ तथा हजारों दुख और व्याधियों से घेरा हुआ है, इसमें सुख का तो आभास ही मात्र है, कलेश ही अधिक होता है। परम बुद्धिमान औरवर मुनि ने रानी को इस प्रकार समझा बुझाकर उससे दाह संबंधी सब कार्य कराए। फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वर को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा कर रखते हैं,
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं वे अपने उपभोग के लिए नहीं फलते, उसका फल दूसरे के ही काम आता है। इसलिए जो दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे की प्रसन्नता से प्रसन्न होता है वही नर रूपी धारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर उसका दुख दूर करने के लिए शास्त्रों के वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ दुख नहीं सतता, क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। इस प्रकार कहकर रानी ने उस तालाब के किनारे मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अपने पति की अन्य पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। वहाँ और वह मुनि के स्थित होने से राजा बाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मुनीश्वर और वह को प्रणाम करके परमधाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है वे महापातक या पुत्पातक के युक्त होने पर भी अवश्य परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष यदि किसी के शरीर के भस्म को अथवा उसके धुएं को भी देख लेते तो वह परमपद को प्राप्त होता है। नरजी पति का श्राद्ध कर्म करके रानी और वह मुनि के आश्रम पर गई और अपनी सौत के साथ महर्षि की सेवा करने लगी।